दोस्तों भारत का एक्सप्रेस वे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, जहां एक से बढ़कर एक नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जैसे कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे वगैरह वगैरह। क्योंकि जिस तरह पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, कुछ उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आज सड़कों का जाल बिछ रहा है और जो सड़कें पुरानी हो चुकी हैं उन्हें नया रूप दिया जा रहा है। जबकि जिन गाँव, शहरों और जिलों में अभी तक अच्छी सड़कें और हाईवे नहीं बने हैं, उन तक नए नए हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाकर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जिससे सभी गांव और शहर आपस में कनेक्ट हो सके। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में एक नया एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जिसका नाम भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा के नाम पर रखा गया। इस एक्सप्रेस वे का नाम है गंगा एक्सप्रेस वे, जो पीएम मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद से ही हमेशा चर्चा में रहा है। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का सबसे फायदेमंद एक्सप्रेस वे होने वाला है, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे के आसपास फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट आदि डेवलप किए जाएंगे। ये एक्सप्रेस वे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, इसके साथ ही दिल्ली से आगमन भी आसान करेगा। ये एक्सप्रेस वे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। ये एक्सप्रेस वे मेरठ जिले के बिजोली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जोधापुर डांडू गांव में एंड होता है, जहां ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले शामिल हैं। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप कर रही है, जिसके निर्माण कार्य में करीब 40,000 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। ये एक 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे 3.75 मीटर चौड़ा सर्वे रोड भी बनाया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसके अलावा इमरजेंसी जैसी सिचुएशन के लिए इस एक्सप्रेसवे पर एक 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी शाहजहाँपुर में, जिससे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो सके। इस एक्सप्रेस वे को 12 पैकेज में DBA40 मॉडल यानी कि डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के अकॉर्डिंग डेवलप किया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला पीएम मोदी द्वारा साल 2021 में रखी गई थी और इस एक्सप्रेस वे में कुल 18 फ्लाई ओवर और 8 रोड ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मेरठ और प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा और 12 रेम टोल प्लाजा भी बनाए जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद ये एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ ही मेरठ और प्रयागराज के बीच ट्रेवल टाइम को भी कम करेगा, जहां दोनों शहरों के बीच सफर में लगने वाले समय को 11 घंटे से घटाकर सिर्फ 8 घंटे में पूरा करेगा। इस एक्सप्रेस वे के जरिए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो अभी फेज 1 का काम चल रहा है, जहां CNG वर्क 87% कंप्लीट है, जबकि अर्थ वर्क 23% कंप्लीट है। गंगा एक्सप्रेस वे के फेज 1 को पूरी तरह से दिसंबर 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और फेज 1 का काम कंप्लीट होते ही गंगा एक्सप्रेस वे के फेज 2 का काम भी शुरू कर दिया जाएगा, जहां फेज 2 में गंगा एक्सप्रेस वे को दोनों साइड से एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें एक साइड मेरठ से हरिद्वार तक और दूसरे साइड में प्रयागराज से वाराणसी तक एक्सपेंड किया जाएगा। फिलहाल इसकी रिपेयर कंप्लीट नहीं है तो रूट में चेंज हो सकता है, लेकिन एक बात क्लियर है कि गंगा एक्सप्रेस वे का फेज 1 आने वाले महाकुंभ तक कंप्लीट करने का प्लान है। तो क्या आप भी आने वाले इस महाकुंभ में गंगा एक्सप्रेस वे का मजा लेना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।